विदुर हमारा 11 साल का बेटा है, उज्मा 5 साल की है. एंड जब वो दोनों पैदा हुए थे, खासकर विदुर जब पैदा हुआ था, मुझे एक बात का बहुत ज्यादा डर था, और वो ये कि उसको 18 साल वही स्कूल के रूटीन से गुजरना पड़ेगा जिस रूटीन से मैं गुजरा था. एंड डर ये था कि कहीं उसके साथ भी वो ना हो जो मैं अक्सर स्कूल स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखता हूँ. And that is not something we realize until much later. एक बहुत interesting quote मैंने पढ़ा था कि once we are out of school and college, we spend our entire life trying to undo what school and college taught us. And इस video में मैं आपके साथ school education system की बुराई करने के लिए या college education system की बुराई करने के लिए करने के लिए नहीं बना रहा हूँ. इस video में मेरा एक ही objective है कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्कूल और कॉलेज ने शायद हमें किस ढंग से कहीं ना कहीं इनकेपेबल बना दिया. एंड इफ यू हैव दैट अवेयरनेस तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं. बट लेट्स स्टार्ट विद द फन फैक्ट्स एंड द पॉजिटिव फैक्ट्स. स्कूल एंड कॉलेज से मुझे क्या मिला, जो आई एम श्योर आपको भी मिला? दोस्त मिले, सोशल इंटरेक्शन मिली, ऑफकोर्स बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत एक्सपीरियंस मिला, खुद को जाना, खुद को समझा. There were a lot of opportunities, especially in college, to meet different people. पूरे देश से लोग आते थे. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से पढ़ा तो नॉर्थ कैंपस में एक अलग सी चहल पहल थी. इतने सारे लोग मिले मुझे, मेरी वाइफ कॉलेज में मिली, बस में हम एक साथ ट्रैवल करते थे. सो देर वर सम रियली वंडरफुल पार्ट्स टू, बट देर स्पेसिफिकली थ्री थिंग्स दैट आई फेल्ट काश स्कूल और कॉलेज नहीं करता. सबसे पहला, the concept and the approach towards examinations. School or college mein ek bahut important cheez and ek bahut important fitrat hame sikhai jati hai, wo ye hai ki ek saal mein hum aapko ek course ya ek subject padhayenge. Ek time pe shuru hoga, sare bacche wahi padhenge, and ek time pe fir aapka ek evaluation hoga jisko hum exam kehte hain. Ab irrespective of ki aapko samajh mein aaya ya nahi aaya, chahe aap bahut tez hain ya bahut slow hain, hame farak nahi padta. Hum usi samay har ek insaan ka exam lenge. एंड जब वो एग्जाम आप दे देंगे, अगर आपके नंबर आ गए तो आप पास, अगर आपके नंबर नहीं आए तो आप फेल. एंड दैट वॉज द सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रिंसिपल. अब ये असली जिंदगी से बहुत टूटा हुआ है. लेट मी एक्सप्लेन हाउ. हमारा पूरा फोकस है स्टूडेंट्स होता था कि हम उस सब्जेक्ट के एग्जाम को क्लियर कर पाए. हम इतना लर्निंग पे फोकस नहीं करते थे, समझने पे फोकस नहीं करते थे, जितना हम फोकस करते थे कि यार एग्जाम पार हो जाए. एंड ऑफ कोर्स इफ यू वर अ डिलिजेंट स्टूडेंट तो आपको एक सर्टेन नंबर चाहिए थे. अगर आपको फर्क नहीं पड़ता था तो आपको सिर्फ पास होना होता था. अगर आप एकदम निठल्ले थे तो आप सिर्फ डर में ही समाये रहते थे कि यार कहीं फेल ना हो जाए या बैक ना लग जाए. दिस बिकेम 80-90% ऑफ आवर अटेंशन. एंड जैसे ही वो एग्जाम खत्म हुआ, यू वर लाइक पास, ये सब्जेक्ट अब फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा. वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर खत्म हो गया है, वो अकाउंटिंग का पेपर खत्म हो चुका है, वो जर्नलिज्म या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या जो भी और आप पढ़ रहे थे उसका पेपर खत्म हो गया, अब हमें ये फिर से कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा. एंड दैट बिकेम आवर हाई पॉइंट. फिर एक नई क्लास शुरू, एक नया सब्जेक्ट शुरू, एक नया रूटीन शुरू, एंड वी कीप रिपीटिंग सेम थिंग एंड सेम थिंग एंड सेम थिंग. एंड देन वी गेट आउट इन द रियल वर्ल्ड. And हमें लगता है कि रियल वर्ल्ड भी ऐसे काम करेगा कि हमें एक चीज दी जाएगी, उस चीज में हमें बे इंतहा फोकस करना होगा, एक एग्जाम आएगा, उस एग्जाम को हम पार कर लेंगे और फिर ये चीज वापस हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, एक नई चीज आ जाएगी. But that's not how real life works. अगर आप काम करते हैं तो आप ये जानते हैं, अगर आप नहीं करते तो मैं आपको बता सकता हूं कि असली जिंदगी में आपको एग्जाम पास करने का अवसर नहीं मिलता, आपको एग्जाम नहीं पास करने होते, आपको टेस्ट नहीं देने होते, आपको पहले सिखाकर बाद में टेस्ट नहीं दिया जाता. इंस्टेड आपसे सिर्फ एक ही चीज डिमांड करी जाती है, कैन यू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, गेटिंग बेटर एट इट एवरी टाइम यू डू इट. क्या आप एक ही चीज बार 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 कर सकते हैं और हर बार पिछली बार से अच्छा? That is how real life works. लेकिन हमारी स्कूल और कॉलेज की ट्रेनिंग हमें एक बहुत अलग माइंडसेट पे बिल्ड करवा देती है. तो हम हमेशा अपने काम को, असली जिंदगी को, इवन रिलेशनशिप्स को एक एग्जाम के रूप में देखते हैं.
हम देखते हैं कि हम ये एग्जाम पार कर लें, फिर ये फिर से सब्जेक्ट नहीं आएगा, सिलेबस नहीं आएगा, कोर्स नहीं आएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे. बट नो नो माई फ्रेंड, यू हैव टू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एंड दैट इज द बिग डिफरेंस. अगर आप इस स्कूल और कॉलेज के चंगुल में ना फंसे हो, देन दैट इज योर गिफ्ट. अगर आप फंसे हुए हैं, गेट आउट ऑफ इट. एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम एग्जाम्स को बहुत अलग तरीके से देखता है. फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है कि वहां ज्यादातर एग्जाम्स ओपन बुक होते हैं? मतलब उन्हें ये नहीं फर्क पड़ता कि आपको क्या याद है, उन्हें ये फर्क पड़ता है कि आपको जो पता है उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द सिंपल थिंग्स बट सच अ पावरफुल थिंग टू चेंज कि एग्जाम से हम कैसे सीखते हैं एंड अल्टीमेटली जिंदगी में कैसे उसको अप्लाई करते हैं. क्योंकि मैं यूएस में पढ़ा हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी पले नहीं हैं, तो बहुत कुछ सीखा है इस एजुकेशन सिस्टम से. एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि अगर हो सके तो जिंदगी में एक बार बाहर जाके पढ़िए, दिमाग खुल जाता है, बहुत ही अलग सा एक एक्सपीरियंस मिलता है. बट इफ यू स्ट्रगलिंग कि कौन से देश जाएं, कौन सा कोर्स करें, कैसे उसको फंड करेंगे, वीजा कैसे मिलेगा, वहां एकोमोडेशन कैसे मिलेगी, एप्लीकेशन कैसे होगा, टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, उन सारी चीजों के लिए व्हाट आई वुड रेकमेंड इज लेवरेज एडयू. लेवरेज एडयू भारत का वन ऑफ द टॉप स्टडी अब्रॉड कंसल्टिंग फर्म्स हैं, जो हजारों की मात्रा में स्टूडेंट्स को हर साल बाहर भेजते हैं फॉर देम टू फुलफिल देयर ड्रीम ऑफ स्टडिंग अब्रॉड. मैं लेवरेज एडयू का एक इन्वेस्टर हूँ. अक्षय चतुर्वेदी जो कि फाउंडर है लेवरेज एडयू के, वो एक ISB एलम है और एक अच्छे दोस्त हैं. सो आई एम क्लियरली वेरी बायस्ड व्हेन आई से दिस, लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट करते हुए देखा है फ्रॉम लेवरेज एडयू सर्विसेज, एंड आई वुड हाईली रेकमेंड देम. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसके थ्रू आप एक काउंसलिंग सेशन सेटअप कर सकते हैं. एंड फॉल 2023 जो कि सितंबर का इनटेक है, उसके लिए अभी जो डेडलाइन जुलाई में होने वाली है, अप्लाई कर सकते हैं. नंबर दो, एग्जाम के चलते ही, लेकिन एग्जाम भी नहीं, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव कि हर एक सवाल का एक सही जवाब, एंड अगर आपने वो सही जवाब दिया तो आप करेक्ट हैं, अगर आपने वो सही जवाब नहीं दिया तो आप रॉन्ग हैं. एंड जवाब देना इज द रोल ऑफ द स्टूडेंट. दिस इज व्हाट इरिटेट्स मी द मोस्ट अबाउट स्कूल एंड कॉलेज. जब विदुर और उज्मा के लिए हम स्कूल ढूंढ रहे थे तो मेरा सबसे बड़ा डर यही था कि खुदा ना खासा अगर वो ऐसे स्कूल में चले गए जहां उन्हें सिर्फ यही बोला जाएगा कि एक ही सही जवाब है एंड जवाब देना ही आपका रोल है, तो वो जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सीख पाएंगे. क्योंकि असलियत यह है कि आप जिंदगी जवाबों से नहीं, सवालों से सीखते हैं. आप जितना सवाल पूछ सकते हैं ना, उतना ही आप जानेंगे. जवाब देना तो सबको आता है, चाहे रट के या समझ के, लेकिन सवाल पूछना इज एन आर्ट, एंड वो बहुत बहुत कम लोग कर सकते हैं. बिकॉज स्कूल एंड कॉलेज में सवाल पूछना अलाउड ही नहीं था, हमें डांट फट दिया जाता था, फटकार दिया जाता था, इतने सवाल पूछते हो, बुद्धू हो गया, समझ नहीं आती है क्या, पागल हो गया, ऐसे कोई सवाल पूछता है क्या. माँ बाप फिर और लगे रहते तो कितने सवाल पूछते हो, कभी चुप बैठ सकते हो, हर एक चीज सवाल नहीं होती है. क्योंकि हम जब बच्चे थे हम सिर्फ सवाल ही पूछते थे, चंदा गोल क्यों है, तारे क्यों है, कुत्ता क्यों भौंक रहा है, बिल्ली क्यों रो रही है, हर एक चीज हमारे लिए एक सवाल था, हर एक चीज जिज्ञासा थी, हर एक चीज क्यूरियोसिटी ड्रिवन थी. नाउ इमेजिन धीरे 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 करके यू स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस. जो आप बचपन में थे वो आप भूल चुके हैं. व्हाई? बिकॉज ओवर द इयर्स किसी ने हमें ये सिखा सिखा के अंदर हमारे दिमाग में ठूस दिया है कि सवाल है, जवाब सर, एंड जवाब अगर सही है तो तुम अव्वल नंबर, अगर जवाब सही नहीं तो फिर से ट्राई करो जब तक सही जवाब नहीं मिलता. क्योंकि सही जवाब सिर्फ एक ही है, द रॉन्ग वे of thinking about life. There are multiple right answers, but the best way to learn life is to ask questions. And then the third thing, kuch college isse hatte ja rahe hain, lekin zyada tar college abhi bhi yahi hai. Attendance bahut zaruri hai. Attendance agar na ho to bhaiya aap kahe minimum 75, minimum 80, minimum 85, minimum 90. Kuch college hai bits pilani jaise jinhone attendance hata diya. कोई जरूरत नहीं है, कोई मिनिमम नहीं है, आना चाहते हैं आ सकते हैं, नहीं आना चाहते नहीं आ सकते हैं. एग्जाम होगा हाँ, पर एग्जाम में आपको पास करना है, कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं किया आपकी प्रॉब्लम. बिकॉज स्कूल एंड कॉलेज थिंक्स अटेंडेंस जरूरी है, व्हाइल आई थिंक अटेंडेंस नहीं, अटेंशन जरूरी. आप क्या कर लेंगे एक मुर्दा लाश को अपनी क्लास में रखकर जिसका दिमाग ही कहीं और है, वो चाहे व्हाट्सएप कर रहे हैं या सो रहे हैं या भूखे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है. बट द आइडिया इज क्योंकि वो वहां प्रेजेंट है,
शरीर से, दिमाग से नहीं. यू थिंक इट्स ग्रेट बट इट्स नॉट. वॉट इज रिक्वायर्ड इन लाइफ टू विन इज अटेंशन, नॉट अटेंडेंस. एंड ये गलत ट्रेनिंग हमें इतना रिपल्स करती है ना कि हमें लगता है कि हम भाग जाए. तो वी स्टॉप पेइंग अटेंशन एंड गिविंग आवर अटेंडेंस टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन लाइफ. हम इतने उस मोमेंट से बाहर निकल जाते हैं. आप किसी से बात कर रहे होंगे, फोन पे लगे हुए हैं. फर्ज करिए अगर मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि एक मिनट ना, हाँ ठीक है, तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और विल दिस बी फन अटेंडेंस है, मैं यहां हूं, मैं प्रेजेंट हूं, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर. अटेंशन नहीं है. एंड दिस बिकम्स आवर इनेट पर्सनालिटी. हम जिंदगी ऐसे ही जीना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कॉलीग्स हो, चाहे वो कोई भी हो. हम खुद के साथ भी नहीं बैठ पाते. हम खुद को अटेंडेंस से लगवा देते हैं लेकिन अटेंशन नहीं दे पाते. हम कभी भी खुद के साथ नहीं बैठ पाते. एंड दैट इज समथिंग दैट स्कूल एंड कॉलेज डिस्ट्रॉयज एंड टेक्स अवे फ्रॉम अस. हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में अटेंडेंस नहीं, अटेंशन जरूरी है. व्हेन यू थिंक अबाउट दीज थ्री थिंग्स एंड यू थिंक अबाउट कि इन तीन चीजों की वजह से आपकी जिंदगी कैसे बदली है, कैसे आपकी सोच बदली है, कैसे आपके करने का तरीका ढंग बदला है, यू बिगिन टू अंडरस्टैंड कैसे ओवर ईयर्स आपको सिर्फ एक ही ट्रेनिंग और एक ही वर्ल्ड व्यू से बढ़ाया गया है, बड़ा किया गया है. एंड दैट कैन बी हार्मफुल. इतने सारे साल आप एक ही रेजिमेंट, एक ही रूटीन, एक ही फिलॉसफी पे चलते आ रहे हैं. एंड दैट नेचुरली विल बिकम योर लाइफ, नेचुरली विल बिकम द वे यू थिंक अबाउट थिंग्स. एंड सडनली फिर आप 22 साल की, 23 साल की उम्र में जब असली जिंदगी में कदम रखेंगे, यू विल रियलाइज बॉस असली जिंदगी तो कहाँ निकल, इतना कुछ अलग है. एंड यू हैव टू री इमेजिन एंड री इन्वेंट योर सेल्फ. सो मेरा मकसद इस वीडियो का, अगेन, नॉट टू अब्यूज द एजुकेशन सिस्टम. बहुत बहुत खूबसूरत चीजें हैं. अभी भी सिंगुलरली द श्योरेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ योर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, योर सोशल डिस्ट्रेस, योर पर्सनल डिस्ट्रेस इज एजुकेशन इन आर कंट्री फॉर श्योर. लेकिन उसके साथ ये नेगेटिव भी आते हैं. एंड इफ यू कैन मेक योर सेल्फ अवेयर ऑफ दीज नेगेटिव, देन वॉट यू विल बी लेफ्ट विद आर ओनली द पॉजिटिव्स दैट द एजुकेशन सिस्टम हैज टू ऑफर. एंड मैं आशा करता हूँ कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो इनको मद्देनजर रखते हुए एक स्टूडेंट का रोल निभाएंगे. अगर आप ऑलरेडी एक स्टूडेंट का रोल निभा चुके हैं और काम कर रहे हैं, देन बी अवेयर कि कैसे इन तीन चीजों की वजह से आपके काम करने का तरीका शायद अलग है फ्रॉम व्हाट द वर्ल्ड मींस. एंड अगर आप उसको करेक्ट कर देंगे, यू विल सडनली फाइंड योरसेल्फ इन अ कंप्लीटली न्यू ग्रोथ फेज देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. अंकुर वारेकु साइनिंग ऑफ. मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है. इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिंपल किताब है. एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है. इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है.